आज हमने लंच बॉक्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ मैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। जो बच्चे परेशान होते हैं, जो माएँ भी लंच बॉक्स में देने के लिए कि क्या दें, तो ये बहुत ज़बरदस्त एक हेल्दी नाश्ता है जो कि आप अपने बच्चों को दे सकती हैं। बहुत आसान है, तो तैयारी करते हैं। लेकिन पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, और नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए आइए ऑमलेट ब्रेड तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुशोखुरम होंगे। ऑल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग के किचन में आपको खुशामदीद, वेलकम। तो आज जो है ना, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है आज बच्चों के हवाले से, बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से है। बहुत ही ज़बरदस्त लंच बॉक्स तैयार करने लगे हैं आम सादा सी चीज़ों से। और रोज़ाना की जो है ना, ये मुश्किल होती है कि क्या करें लंच बॉक्स में, क्या दें, बच्चे भी परेशान, माएँ भी परेशान। तो आज जो है ना, ये परेशानी हल होने वाली है। आम सा आटा जो हम गूंदते हैं, गंदम का आटा, नमक डाल के जो गूंदा होता है, वही आटा मैंने एक पेड़ा बनाया है। और इसकी हम एक नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं, मैं रोटी बनाती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ रोटी बनाने के बाद। तो देखिए जी, रोटी बन गई है, हम इसको उतार लेते हैं और मैं बताती हूँ अब इस रोटी का हमने क्या करना है। अच्छा जी, रोटी के देखें जी, हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसमें हम डालेंगे तो थोड़ा सा दूध, ताकि रोटी जो है ना वो इसमें अच्छी सी भीग जाए। ठीक है, रोटी को अच्छा सा हम इसमें थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं भीगने के लिए। ये देखें, बस इतना सा दूध डालना, ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है, फुल ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये लंच बॉक्स होगा। तो ये हमने रोटी भिगो दी है, अब बाकी की तैयारी की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब हमने एक अंडा ले लिया है और अंडा जो है ना उसको हमने फेंट लेना है। ठीक है, ये देखें, अंडे को फेंट दिया हमने। बहुत ही ज़बरदस्त लंच बॉक्स है ये, और जल्दी जल्दी से बन जाता है। बस रोटी जैसे आप बनाती हैं, अंडा देना होता है बच्चों को, तो अंडे में हमने चीज़ें जो शामिल करनी है उसमें है, टमाटर थोड़े से काट लिए मैंने, बारीक काटे हैं। ठीक है, देखें इतने छोटे टुकड़ों में। हरी मिर्च काटी है, लाल हो चुकी है अब तो, और प्याज को जो है ना वो चॉप कर लिया है, बिल्कुल छोटी सी थोड़ी सी प्याज है। हसबे जायका नमक लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर है, दड़ा मिर्च ले रही है, थोड़ी सी ज़ीरा है, एक आध चुटकी पिसा हुआ ज़ीरा है, पिसा हुआ धनिया है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर तो छोटे बच्चे हैं, फिर आप ये दड़ा मिर्च और रेड चिली पाउडर जो है इसको स्किप कर दें और आप इसमें काली मिर्च डालें। बड़े बच्चों का लंच बॉक्स है तो फिर ठीक है, अगर आपके बच्चे स्पाइसेस खाते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, आप इस तरह स्पाइसी था उनको लंच बना के दें। तो हम ये तमाम मसाले जो है ना इस अंडे में शामिल करते हैं। अच्छा जी, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने मिक्स कर लिया तमाम मसाला अंडे में, और रोटी भी देखें हमारी जो है ना, दूध जो है ना वो चूस लिया है दूध को रोटी में और सॉफ्ट हो गई है। तो ये तमाम मसाला जो है ना अंडे वाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने इसमें शामिल किया। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर तवा मैंने रखा है, तवे पे मैंने डाल दिया है तकरीबन 2 चम्मच घी। ठीक है ना, और घी जो है वो गर्म हो रहा है, और ये तमाम बीटर जो है ना, ये जो हमने बनाया है ये मैं उठा कर जो है ना इस पर फैलाऊँगी और एक राउंड शेप दे दूँगी इसको। देखिए जी, ये डाला हुआ है मैंने इसके ऊपर, और फ्लेम जो है ना हमारा वो बिल्कुल स्लो है। ठीक है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपने रखना है इसको, 2-3 मिनट रखना है इसको। देखिए जी, इसको मैंने पलट दिया है तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के बाद मैंने इसे पलटा है। फ्लेम हमारा हनूस जो है ना वो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर है और ये पक रहा है, ये देखें कैसे। और इसको इस साइड से भी हमने इसी तरह पकाना है। अच्छा, पलटने में ना आपको काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। अगर तो आपने अंडे 2 डाले हैं, ज़्यादा है, रोटी कम कर लें, अंडे ज़्यादा कर लें, तो फिर तो ठीक है, आप आराम से पलट सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक ही अंडा है तो आपको पलटने में जो है ना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप एक्सपर्ट हैं आप आराम से पलट सकते हैं। जैसे मैंने पलट लिया है इसको, 2 चम्मच की मदद से मैंने इसे पलटा है दोनों हाथों से, तो एहतियात के साथ आप भी इसी तरह पलट लें इसको और इसको हल्का सा सेक लें इस तरह पीछे से 2 से 2.5 मिनट, और इसके बाद जो है ना वो मैं आपको प्लेट में निकाल के इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, हमने ये उतार लिया है, ये देखें इस तरह। अब ये बहुत गर्म है और मैंने नीचे एक कागज़ रखा है, उसके ऊपर इसको डाला है ताकि जो इसकी नमी है, ये नमी की वजह से जो है ख़राब ना हो जाए, गर्म गर्म जो नमी होती है। तो मैं आपको एक खा के और मैं फिर दिखाती हूँ आपको कि कितना मज़े का है ये। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है, ऑमलेट ब्रेड हम इसे कह सकते हैं। तो
आप अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ियाँ भी इसमें शामिल कर सकती हैं, लेकिन जो बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते उनके लिए ठीक है। तो कैसी लगी आपको आज की लंच बॉक्स रेसिपी, जो कि आमलेट ब्रेड है? तो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसके अलावा तो जी मैंने इसको निकाल लिया है बहुत एहतियात के साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये आमलेट ब्रेड जो है वो तैयार हुई है। तो कैसी लगी है जी आपको आज की रेसिपी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक का बटन दबा दें ताकि मेरी हौसला अफज़ाई हो। इसके अलावा लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना है आपने, और बहुत ही ज़बरदस्त बहुत मज़ेदार है। एक साइड से मैंने इसको तोड़ के जो है ना, और मैंने खा के देखा है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर बच्चे सब्ज़ियाँ पसंद करते हैं तो आप इसमें सब्ज़ियाँ भी डाल सकती हैं, लेकिन ऐसे भी ठीक है अगर नहीं खाते तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कैसी लगी है ये रेसिपी मेरी आपको। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।